जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की क्या ये दोनों भर्तियां एक साथ आएंगी? और ये दोनों भर्तियां एक साथ आई तो क्या आप इन दोनों में फॉर्म भर सकेंगे? दोस्तों, इन दोनों के लिए ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, इसीलिए सभी विद्यार्थियों के उनमें सवाल है कि आखिर ये दोनों भर्तियां एक साथ आएंगी या अलग अलग, और इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इन दोनों भर्तियों से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब दोस्तों, आखिर बात आती है कि ये भर्तियां कब तक आएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसका नंबर है 212 और ये आप देख लीजिए 7 जून 2019 को जारी किया गया था। इसके अलावा ये आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती का स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसका नंबर है 324 और ये 4 जुलाई 2019 को डीसीपी ने जारी किया था। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो देखिए, कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या कुछ और? देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देखिए ऊपर कोने में मोर लगी हुई है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की, यानी कि दोस्तों डीसीपी ये स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करता है रिक्रूटमेंट विभाग को कि आप ये भर्ती करो। और दोस्तों, दोनों नोटिफिकेशन देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, कांस्टेबल का और हेड कांस्टेबल का। इन नोटिफिकेशन के अंदर पूरी जानकारी भर्ती की दी होती है, क्या योग्यता होगी, क्या आयु, पहले एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, बस इसमें सिर्फ दो बातें नहीं दी जाती हैं। एक तो पदों की संख्या, क्योंकि कितने पद खाली हैं, कितने पदों का नोटिफिकेशन आएगा, ये बात रिक्रूटमेंट विभाग अंत में तय करता है जितने की मंजूरी मिली होती है, और एक आवेदन की तारीख। और दोस्तों, ये बात भी रिक्रूटमेंट विभाग तय करता है कि आवेदन कब से शुरू करवाने हैं और कब तक खत्म करवाने हैं। इसलिए दोस्तों, इस ऑर्डर के अंदर ऑनलाइन फॉर्म डेट और वैकेंसी कितनी है नहीं बताया गया है। अब दोस्तों, दोनों ही भर्तियों के अंदर क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखी गई है, दोनों में अगर आप 12वीं पास हो तो अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि दोनों में एक साथ अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप कांस्टेबल के लिए करो चाहे हेड कांस्टेबल के लिए करो, इन दोनों में अगर एक साथ भी आवेदन शुरू होते हैं तो आप एक साथ अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों, बड़ा सवाल कि क्या ये दोनों भर्तियां एक साथ आएंगी, इनका नोटिफिकेशन एक साथ आएगा या फिर अलग अलग? तो दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा संभावना है तो इसी बात की है कि इन दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी किया जाए, क्योंकि दोस्तों कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों का स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हो चुका है, तो संभावना इसी बात की है और रिक्रूटमेंट विभाग यही चाहेगा कि आपकी दोनों भर्तियां एक साथ हो जाए तो अच्छा होगा, एक साथ फॉर्म भरवाए जाए। जिस प्रकार से आप देखिए आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों भर्तियों का नोटिफिकेशन एक साथ आया था, एक दिन आया था और एक साथ ही दोनों के आवेदन करवाए गए थे, तो ज्यादा संभावना इसी बात की है। लेकिन अगर ज्यादा ज्यादा हुआ तो ऐसा हो सकता है कि कांस्टेबल वाले से 15-20 दिन बाद में हेड कांस्टेबल की आ जाए, बहुत ज्यादा लेट तो नहीं होगी कि 2-3 महीने बाद आया, बस ज्यादा समय इस प्रकार लगा लो कि जिस दिन कांस्टेबल का आएगा अगर लेट हुई तो उसने 10-15 दिन या 20 दिन बाद में हेड कांस्टेबल की आ जाएगी, वरना फुल चांस इसी बात के हैं कि दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ जारी हो। दोस्तों, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर ये दोनों वैकेंसी है अलग अलग पदों के ऊपर, और वैसे भी हेड कांस्टेबल में तो पदों की संख्या कम ही रहने वाली है। अब दोस्तों देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, इनका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों इसी महीने जारी हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लंबा इंतजार नहीं करना है, बस आप एग्जाम की तैयारी में जुटे रहो। इन दोनों में ही हेड कांस्टेबल कांस्टेबल दोनों में ही पहले एग्जाम होगा और उसके बाद में फिजिकल होगा, तो पहले एग्जाम है इसलिए आपको जमकर तैयारी करनी होगी, काफी अच्छे अच्छे विद्यार्थी एग्जाम्स के अंदर जाने वाले हैं। और दोस्तों, दोनों में ही इस बार कंप्यूटर जोड़ दिया गया है 10-10 नंबर का, दोनों का पेपर 100 नंबर का होगा और आपको दोनों में ही समय भी समान ही दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, हमने आपके लिए ई बुक तैयार की है, इसमें पिछले साल के सभी जो शिफ्ट हैं उनके अलग अलग आपको पेपर के क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं, जो आप पढ़ लीजिए, इस बार आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और जीके के लिए महत्वपूर्ण जनरल साइंस के लिए 1000 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए भी एक अलग से पीडीएफ यानी कि ई बुक तैयार की है, आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। इन दोनों पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, आप बोलो आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर हेल्थ ब्यूटी एजुकेशन सभी कैटेगरीज के एक्सपर्ट है जिनके साथ आप वीडियो कॉल करके उनसे कुछ भी बात पूछ सकते हैं, तो ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।